जब मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में पूछती हूँ ना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से कलर में चाहिए तो ग्रे सॉरी सिल, सिल्वर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो इसलिए मैंने जो है इसमें वीडियो बनाई है सबसे पहले मैंने आई के कॉर्नर पर टेप लगा लिया और काफी हल्का हल्का जो है बेस बना लूंगी कुछ इस तरीके से और ना आप टेप की डायरेक्शन देख सकते हैं कि किस एंगल में मैंने टेप लगाया है जिस एंगल में आप लोग टेप लगाओगे उसी तरह से आपके आई मेकअप की फिनिशिंग आएगी अब मैंने क्या किया इस फ्लैट ब्रश पर ना ब्लैक कलर का आई शेडो ले लिया मैंने यहाँ पर ना कि कोई लाइनर का यूज़ नहीं किया इस तरीके से लिया है ठीक है अब मैं इसको क्या करूंगी एक विंग तो मैंने बना दिया अब मैं इसको ना ब्लैंड करते हुए अंदर की साइड लेकर जाऊंगी इनर की साइड इसको ब्लैंड करूंगी ताकि ए, एक जो कट क्रीज वाला इफेक्ट होता है ना जैसे एशियन ब्राइट्स का आप लोगों ने देखा होगा आई मेकअप की आउटर से एक ब्लैक कलर का अलग ही विंग दिख रहा होता है ठीक है तो उसी तरह के ही आई मेकअप होने वाला है अब इनर से मैं एक फ्लफी ब्रश लूंगी और इस तरीके से इसको जो है ब्लेंड कर दूंगी आउटर की तरफ यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करती हूँ कि कई लोग ना कमेंट करते हैं कि दूसरे का आप आई मेकअप करते हो इसलिए आपसे आसानी से हो जाता है अपना जो है करना बहुत टफ होता है तो अपने में देखो हमें हम हमको ना एंगल पता होता है कि हमें ऐसे आईलैस रखनी है ऐसे आँखें उठानी है ऐसे नीचे करनी है तो एक प्रॉपरली जो है एक बार जब आपका हाथ सेट बैठ गया ना अपने आई मेकअप करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती आपकी आंखों की सेप हमेशा वैसे ही रहेगी दूसरे का क्या होता है अलग अलग तरह की आइज आती है हमारे क्लाइंट की अलग अलग आईज हो, होती है किसी की हु किसी की ड्रुपी किसी की कैसी किसी की कैसी दूसरा इंसान आप उसके फेस पे कुछ टच करो वो हिलने डुलने लगता है तो मेरे हिसाब से दूसरे का करना बहुत ज्यादा टफ होता है ठीक है खैर चलो छोड़ो वो भी प्रैक्टिस की बात है तो ये चीज ना सोचा करे आप लोग कोशिश करा करें एटलीस्ट कुछ तो आएगा अब हम क्या करेंगे कि लोअर लैश लाइन में भी शेडिंग देंगे कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं ब्लैक जो मैंने प्रोडक्ट बाहर लिया था ना उसको मैंने धीरे धीरे ब्लेंड करके सारा फैला दिया सिर्फ इनर का थोड़ा सा पोर्सन छोड़ के अब मेरे पास ये एक जो है सिल्वर कलर का सीमर था आई पैलेट में इसको मैंने जो है इस तरीके से स्प्रेड कर दिया ये देख सकते हैं अब सिमर लगाने से क्या हो गया कि जो ब्लैक कलर था ना वैसे ही मैंने इसको बहुत कम लगाया था बट सिमर की वजह से ये थोड़ा सा जो है हल्का हो गया अब मैं इसको क्या करूंगी इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी और ये देख सकते हैं फॉल्स आईलेसिस यहाँ पर लगा ली तो बहुत ईजी था ये आई मेकअप इसमें काम देखो कितना था सिर्फ जब हमने आउटर से शेडिंग भी उतना काम था टेप लगाने का काम था बाकी सिमर लगाया इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी ठीक है लेकिन आप लोग जब ट्राई करोगे